सुंदरनगर पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत आने वाले कांगो में विभाग के स्टोर से चोरी हुई पाइप के चोर गिरोह को पुलिस ने सोलन जिला के अर्की से गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुंदरनगर तरनजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष उक्त चोरों ने आईपीएच विभाग के कांगो स्टोर से 2.25 लाख के तकरीबन सरकारी पाइपों के ऊपर हाथ साफ कर गए थे, जिन्हें सोलन जिला के अर्की से गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी शिनाख्त हो गई है। उन्हें बताया कि चोरों को हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चोरी इस केस में एक सफलता हासिल की है। ये जो चोरी थी वो 11 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जो लगभग खयार के मुताबिक 81 आईपीएच की पाइपें वहां से चोरी होना रिपोर्ट की गई थी। इसमें आज सुंदरनगर पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस ने गिरफ्तार किया था अपने केस में, जब यहाँ से भी आईओ को भेजा गया तो उन्होंने अपने पूछताछ में पता लगाया कि ये इस चोरी में भी संलिप्त होना पाए गए हैं, अतः उनको गिरफ्तार करके यहाँ हवालात में बंद किया गया है। इस आज इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और आगामी अन्वेषण जारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस हिरासत में लिए गए 5 चोरों के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उक्त 5 चोर राजस्थान और लुधियाना से संबंधित हैं और लेबर का काम करते हैं। मामले की जांच सलापड़ चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र ठाकुर कर रहे हैं। एएसआई राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मामले में गुरमीत शंकर भंवर, कुशाल और तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा।